तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ट्वेल्थ क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोरीन्स। ट्वेल्थ क्लास में ये चैप्टर है ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ऑर्गेनिक जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जीओसी आना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, दो तीन बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा आपको याद करना आना चाहिए, ठीक है ना। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक। हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दो चीज़ें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशन, ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगे हर किसी के। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे हर चैप्टर के, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये चैप्टर में आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है और उसको याद भी रखना है। आँख बंद करके रट्टा नहीं मारना है, आपने समझ के याद करना है, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है समझना है, फिर उसको याद जरूर रखना है, क्योंकि आप याद नहीं रखोगे तो नहीं होने वाले, आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर आगे। और ये रिलेट भी करता है, ये वाला चैप्टर अगले वाले से करेगा, अगला वाला थोड़ा अगले वाले से करेगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पढ़ेंगे वहाँ पे भी यूज़ होंगी, तो इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिना याद रखे नहीं होने वाला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्निंग है, आपको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स। हेलोएल्केन्स क्या होते हैं भाई, कोई भी कार्बन की ऐसी लंबी सी चेन होगी, कार्बन की चेन के साथ क्या लगा होगा, कोई भी एक्स, एक्स क्या होता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक। हेलोजन हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एडीन में से कुछ होगा, तो एक्स लगा सकते हैं। अगर किसी कार्बन की चेन में एक हाइड्रोजन को हटा के हमने उसकी जगह कोई हेलोजन लगा दिया तो वो हेलोएल्केन हो जाएगा। और यही काम हमने अगर बेंजीन रिंग का एक कार्बन हटा के हमने कोई हेलोजन लगा दिया तो वो हेलोअरीन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोरीन्स। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसके बेसिस पे बताएंगे कि हमारे पास कितने तरह के हेलोएल्केन्स और हेलोरीन्स होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करने से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत सिंपल है, ऑर्गेनिक में आप सिर्फ इस तरीके से चलना, आपकी हमेशा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अगर किसी कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे एक भी डबल बॉन्ड बनाया है, अगर सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, अगर एक डबल बॉन्ड बना लिया है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना चाहो तो, अदरवाइज अगर आप निकालना भी चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर आपके पास दो सिग्मा है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, तीन सिग्मा है तो sp2 होगी, चार सिग्मा है तो sp3 होगी। सिग्मा बॉन्ड कैसे गिनते, कोई भी सिंगल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा और दो पाई रहेंगे, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 चार सिग्मा मतलब sp3। यहाँ पे आप देखोगे तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। सिग्मा कितने बनाए कार्बन ने, तीन सिग्मा बनाया, तीन सिग्मा का मतलब sp2। यहाँ पे आप देख सकते हो दो सिग्मा और दो पाई, तो इस कार्बन ने दो सिग्मा बनाया, दो सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप सीख गए, एक बार हाइब्रिडाइजेशन सीख गए उसके बाद आपको कितने टाइप के होते हैं ये हेलोएल्केन्स और हेलोरीन्स ये समझना है। तो एलाइलिकलाइड सबसे पहले आता है हमारे पास, एलाइलिकलाइड वो, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वो यूज़ करेगा बार बार कि एलाइलिकलाइड में हमने कोई रिएक्शन करेगा तो उसमें नाम दे देगा कि आपको एक एलाइलिकलाइड स्टार्टिंग में दे दिया उससे रिएक्शन करके दिखाओ। तो एलाइलिकलाइड जब तक आपको पता ही नहीं होगा, आपको रिएक्टेंट ही नहीं पता होगा, आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक। तो इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे ये। तो एलाइलिकलाइड हमारे पास क्या होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है sp3 हो उसका नेक्स्ट sp2 हो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो sp3 है और उसका नेक्स्ट sp2 है, तो ये क्या होगा एलाइलिकलाइड। बेंजाइलिकलाइड क्या होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, देखो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो sp3 है, उसका नेक्स्ट sp2 है और वो बेंजीन रिंग का है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो sp3 है, उसका नेक्स्ट sp2 और वो बेंजीन रिंग का है, तो ये क्या हो जाएगा बेंजाइलिकलाइड। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, इसके बाद हमारे पास आता है विनाइललाइड। विनाइललाइड क्या होता है हमारे पास, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो डायरेक्ट sp2, पहले किससे जुड़ा था जो sp3 हो उसका नेक्स्ट sp2, अब की बार किससे जुड़ गया डायरेक्ट sp2 से जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा विनाइललाइड। और डायरेक्ट sp2 से जुड़ा है और वो जो sp2 कार्बन है वो बेंजीन रिंग का भी है, तो ये क्या हो जाएगा अराइल हैलाइड, या इसी को हम कहते हैं हेलोएल्केन हेलोअरीन्स, इसी को हम कहते हैं हेलोअरीन्स, ठीक।
फिर नेक्स्ट कार्बन होता है जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड क्या होता है, जब भी एक कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हो, एक कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जेम डाइहेलाइड। अब ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दो तरीके का हो सकता है। टर्मिनल मतलब जब लास्ट वाले कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हो तो वो होता है टर्मिनल, और जब बीच के किसी कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हो तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनल। ठीक, इसकी वैलेंसी पूरी कर लेना, वैलेंसी पूरी नहीं है। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा, कार्बन हैज ओनली फोर बॉन्ड्स। कार्बन के हमेशा चार बॉन्ड होते हैं, चार से ज़्यादा नहीं होते और कम भी नहीं होते। ठीक, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, ध्यान रखना। आप कार्बन के ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं, रिएक्शन में पाँच बॉन्ड छः बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कार्बन के हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड्स गिन के रखना, ठीक, कि चार बॉन्ड बनाए हैं आपने कि नहीं बनाए। देख लो आप, यहाँ पे भी पहले मैंने दो बना दिए थे, मैंने एक यहाँ पे और तीन यहाँ से सिंगल आ गए, तो चार बॉन्ड हुए। ठीक, फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड क्या होता है हमारे पास, जब दो एडजेसेंट कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हो, जब दो एडजेसेंट कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहेलाइड। बगल बगल वाले दो कार्बन से, जब एक ही कार्बन से दो जुड़े तो जेम डाइहेलाइड, जब दो एडजेसेंट बगल बगल वालों से जुड़े हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है गाइस, फिर इतना आपको याद रखना है, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ प्रिपरेशन, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। जब तक मैं इसे रब करता हूँ, इसे नोट करो। हाँ जी, तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड। कैसे पता करते हैं कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है? तो देखो, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, ये आप ध्यान रखना। देखो, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है ना, ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो ये एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, अगर वो दो कार्बन से जुड़ा है आगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो आगे तीन कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी। ये होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। हाँ, कब बस ये आप ध्यान रखना, ऐसे ये मैंने एल्काइल हैलाइड दिया, इसमें देखो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, आगे कहोगे सर ये तो तीन कार्बन से जुड़ा है, नहीं भाई, डायरेक्टली देखना है, ये जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो आगे डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा, डायरेक्टली तो इसी कार्बन से जुड़ा है बस ये, ठीक है ना, तो डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये होगा हमारे पास प्राइमरी। आगे जो जुड़ा है ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, ये वाला कार्बन इससे नहीं जुड़ा है, ये वाला जो कार्बन है डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ सकता है। ठीक, तो ऐसे आपको देखना है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो आगे डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास कैसा होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। प्रिपरेशन हम लोग देखो दो पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, एक बार हेलोएल्केन, हेलोरिंस। हेलोएल्केन्स थोड़ा सा बड़ा है, हेलोरिंस तो बहुत छोटा है। ठीक, तो आपको हेलोएल्केन्स एक पढ़ाएंगे और उसके बाद में हेलोरिंस पढ़ाएंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन से। ऐसे मैंने आपको बताया, जो भी हम फंक्शनल ग्रुप उठाएंगे उसके बारे में हम सिर्फ क्या क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हमें उसके बारे में पढ़ना होगा प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तीन चीज़ें ही पढ़नी है। ये तीन चीज़ें पढ़ते जाती है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रिपरेशन रहने वाली है, प्रिपरेशन आपको याद रखनी पड़ेगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है, एक तो फ्रॉम एल्कोहल से हो सकती है प्रिपरेशन। आप किससे कर सकते हो, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे कैसे कर सकते हो, देखो आप क्या डाल सकते हो, PCl5 सबसे पहले आप डाल सकते हो। कोई भी एल्कोहल लोगे, ऐसे कार्बन की चेन रहेगी उसमें OH, एल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH, OH में PCl5 आप डालोगे, PCl5 डालोगे तो आप क्या क्या निकलेगा आपका, POCl3 बाहर हो जाएगा, मतलब HCl बाहर हो जाएगा। तो कैसे बाहर होगा, एक P, एक O, तीन Cl यहाँ से आए, तो POCl3 निकल गया, एक H ये रहा, और एक दो Cl अभी बचे थे, एक H के साथ एक Cl निकल गया, अभी भी आपके पास एक Cl बचा, तो जहाँ से OH निकला वहाँ पे Cl जाके जुड़ गया। तो ऐसे ही आप याद रखना बिल्कुल, ठीक, कि क्या क्या निकला और क्या बना। बाय प्रोडक्ट आपको एक बार को याद रख, बाय प्रोडक्ट आप याद रखोगे तो अपने आप जो आपका प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, वो आप बना लोगे। फिर PCl3 डालोगे तो आपको ये बताना चाहिए इसमें H3PO3 बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, H3PO3 बाहर हो जाएगा। देखना कैसे बाहर होगा H3PO3, तीन मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसमें। देखो 3H निकाले, ये रहे 3H, यहाँ से 3H निकलेंगे, एक P और तीन O यहाँ से निकल जाएंगे, H3PO3 बाहर हो गया, ये पूरा निकल गया, अभी भी आपके भाई तीनों Cl बचे, तो तीनों Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास HX डाल दोगे तो बन सकता है। HX से कैसे बनेगा आपके पास, देखो वाटर निकाल देना, क्या निकाल देना, वाटर निकालोगे तो जहाँ से ही निकला वहाँ पे जाके एक्स जुड़ जाएगा, ये हमारे पास हो गया एल्कोहल से। फिर उसके बाद इसमें SOCl2 डाल दोगे, फिर आप क्या डाल दोगे, SOCl2 डालोगे तो क्या होगा, एक तो SO2 बाहर जाएगा और HCl बाहर जाएगा। देखना SO एक यहाँ से वो आ जाएगा, SO2 बन जाएगा, एक H के साथ एक Cl निकल गया, अभी एक Cl बचा, एक Cl निकला, एक Cl बचा, जहाँ से OH निकला वहाँ पे Cl जाके जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला जो मेथड है आपका, ये बेस्ट मेथड माना गया है
अगर आपको कभी भी कोई अल्कोहल दिया गया और अल्कोहल से आपको एक हेलो एल्केन बनाना है तो सबसे बेस्ट माना बेस्ट मेथड माना गया है SOCl2, क्योंकि इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं आप देखो दोनों के दोनों गैसेज हैं, ये भी और ये भी, और गैस क्या होगी ऊपर की तरह उड़ जाएगी अपने आप। तो बीकर में आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर ये मिलेगा, प्योर और कुछ नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप इन मेथड से बनाओगे तो इसमें आपको ये मिलेगा, ये तीनों मिलेंगे, फिर आपको सेपरेट करना पड़ेगा, तो एक स्टेप आपका बच जाता है। जब आप इसको यूज़ करते हो तो आपको सेपरेट नहीं करना पड़ता, आपका बच जाता है, टाइम बच जाएगा और मेहनत बच जाएगी। SO2HCl अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वो उड़ जाएंगे क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में रिलीज होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास होता है, तो कभी भी मैं आपसे पूछूं आपको एक अल्कोहल दिया है उसको कन्वर्ट करना है हेलोएल्केन में, तो आप हमेशा क्या बोलोगे, सर SOCl2 डाल दो। ठीक, इसको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा यूज होती है कन्वर्जन। ठीक, तो आप SOCl2 डाल दो, यही बताएंगे हर बार। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, एल्कीन से हम लोग बनाएंगे किस तरीके से, एक तो बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, HX, हाइड्रोजन होगा एक हैलोजन होगा HX में HF HCl HBr HI चार हो सकते हैं, HF के साथ यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती। HF के साथ रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि दोनों स्मॉल साइज के एटम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, टूटता ही नहीं, टूटेगा नहीं तो लगेगा भी नहीं, इसलिए HX के साथ रिएक्शन नहीं होती है। बाकी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक एल्कीन ले लिया और उसके साथ क्या ले लिया, HBr ले लिया। ये मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, सिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चीज है, देखो इधर भी CH2 उधर भी CH2, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चीज का मिलना ये कौन सा एल्कीन कहलाता है, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप HBr जोड़ोगे तो एक कार्बन पे H चला जाएगा, एक कार्बन पे Br चला जाएगा, किसी पे भी भेज दो। मैंने इस वाले पे इस पे H भेजा, इस पे Br भेजा, आप इस पे H भेजो, इस पे Br भेज सकते हो, किसी पे कुछ भी भेज सकते हो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। इसका नाम आप करोगे तो वही आएगा, 1-bromoethane। आप इस पे Br भेजोगे, इस पे H भेजोगे, तब भी 1-bromoethane ही आएगा आपका आंसर, जब नाम आप लिखोगे तो। ठीक, तो सिमेट्रिकल में तो किसी पे भी H भेजो, किसी पे Br भेजो, सेम ही आंसर आता है। बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आंसर चेंज हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी 2। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम कैसे करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होता है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे आप यहाँ देखो, डबल बॉन्ड के इस तरफ अलग चीज़ है और इस तरफ अलग चीज़ है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जब अलग अलग चीज़ मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमारे पास जब हम HBr ऐड करेंगे, देखो 2 पॉसिबिलिटी है, अगर एरो पे कुछ नहीं लिखा, एरो पे कुछ नहीं लिखा तो वो होगी मार्कोव-निकोव रिएक्शन, और मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां भेजो जहां पे हाइड्रोजन कम हो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम जॉइंस टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आप पढ़ चुके हो 11th में। तो मार्कोव-निकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां भेजो जहां पे हाइड्रोजन कम हो। तो देखो, डबल बॉन्ड को टारगेट करना, कोई सिंगल बॉन्ड को देखना ही मत, डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है, इन दोनों में या तो Br यहां जा सकता है, H यहां जा सकता है, तो Br यहां जा सकता है, H यहां जा सकता है। तो दोनों केसेस में मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। तो जब मार्कोव-निकोव रूल है, तो मार्कोव-निकोव रूल में नेगेटिव पार्ट आप देखो HBr में कौन है, इस पे पार्शियल, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। देखो इस पे हाइड्रोजन कम है ना, CH, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे 2, तो इसके पास Br भेज दिया मैंने और इसके पास हाइड्रोजन भेज दिया। ऐसे ही जब आपको एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगे, एंटी मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां भेजो जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, इसका उल्टा बेसिकली, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब Br वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, Br यहाँ पे भेजा होगा मैंने, यहाँ Br भेज दिया, यहाँ पे H भेज दिया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया, क्योंकि वैलेंसी आपको 4 ही रखनी होती है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन। पता कैसे चलेगा मार्कोव-निकोव एंटी मार्कोव-निकोव का, एरो पे कुछ नहीं लिखा तो वो एंटी मार्कोव-निकोव रूल है, अगर एरो पे कुछ लिखा है परोक्साइड, बेंजोइल परोक्साइड, क्रैश इफेक्ट, देन वो एंटी मार्कोव-निकोव रूल है, इस तरीके से आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास होता है इसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन्स का एडिशन से बना सकते हो, आपको पास कोई भी एल्कीन है उसमें Br2 एक्वस डाल दो, चाहे Br2CCl4 बोल दो, इसको हम ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, ये ब्राउन या ऑरेंज कलर का होता है, जब इसको डालोगे तो 2 Br है ना, दोनों कार्बन पे एक एक Br चले जाएंगे और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना देंगे इस तरीके से, और ये कलर कंपाउंड हमारा कैसा होता है, कलरलेस, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। कभी भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पता करना है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड का पता करना है, तो आपके पास 2 ही टेस्ट है, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एक बेयर रिएजेंट टेस्ट, तो उसी में से एक है ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आप क्या करोगे, आपके पास सैंपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें आप क्या डालोगे, ब्रोमीन वाटर डालोगे, अगर वो ब्रोमीन वाटर ऑरेंज कलर का है, अगर तो आपका सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का हो गया, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुई है वहां पर, आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। बट अगर आपने ऑरेंज कलर डाला और आपका ऑरेंज कलर डीकलराइज हो गया, मतलब कलरलेस हो गया, कलर गायब होने लगा, इसका मतलब वहां पे जादू हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने का मतलब है कि वहां पे होना डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की प्रिपरेशंस कराता हूँ, ये आपको याद रखनी है बिल्कुल एज इट इज, याद करके आप लिखने की प्रैक्टिस करना है, इसको बिना देखे तभी काम चलेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखना इसी के ऊपर डायरेक्ट बनेंगे, ठीक है, तो मैं रख पढ़ता हूँ आज, जब तक आगे करें। हाँ जी, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास
तीसरा प्रिपरेशन है कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्किन्स को, तीसरा हमारे पास एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक आप जानते थे, अभी मैंने एलाइलिक पोजीशन बताई थी। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? हेलोजन उससे जुड़ेगा जो sp3 हो उसका नेक्स्ट sp2 हो। तो यहाँ आप देख रहे हो एल्कीन, लेकिन एल्कीन में नहीं जुड़ेगा। एल्कीन हमारे पास, ये जो हमारे पास एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को मत देखना, नहीं तो अगर एल्कीन पे रिएक्शन होनी होती तो मैं एल्कीन में ही लिखवा देता, अलग से नहीं बताता इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें ये वाला जो आप देखोगे ये sp3 है और ये हमारे पास कैसा है sp2 है। तो जो हेलोजन्स होता है एलाइलिक पोजीशन वो होती है sp3 से जुड़ेगा उसका नेक्स्ट sp2। देखो sp3 से जोड़ दो, sp2 उसका नेक्स्ट है, तो यहाँ से एक एच हटेगा, एक एच के साथ br बाहर हो जाएगा और जो दूसरा br बचा है वो यहाँ पे लग जाएगा। आपको पता कैसे करना है, अगर ऐसे देखे, अगर br2 CCl4 दे दिया या फिर br2 एक्वस दे दिया तो वो पिछले वाली रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हेलोजन्स, ब्रोमिन वाटर टेस्ट है। बट अगर br2 हीट दिया है, हीट दिया है, तो इसका मतलब आपको एलाइलिक हेलोजिनेशन करना है, ब्रोमिन वाटर वाली रिएक्शन नहीं करनी है, ठीक? तो ऐसे पता कर लेना। फिर बाय हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज में अभी तक आपने देखो नोटिस किया होगा, जब भी जब मैंने यूज़ किया है तो सी एल यूज़ किया है, बी आर यूज़ किया है, एफ ओर आई यूज़ नहीं करे, ठीक? क्योंकि एफ ओर आई डायरेक्टली बनते ही नहीं है, एफ ओर आई हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, एफ ओर आई पहले हमें सी एल बी आर बना के लाना होगा, उसके बाद हम हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू ही बना सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बना सकते। उसका रीज़न होता है क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और आयोडीन की रिएक्शन ज़्यादातर रिवर्सिबल हो जाती है, बॉन्ड लेंथ लंबा होता है, टूट जाता है, तो उन रीजन की वजह से होता है, वो आपसे खैर कोई पूछने नहीं वाला है। बट आप ध्यान रखना कि डायरेक्ट नहीं बनाना, ठीक, आई और एफ को डायरेक्ट नहीं बनाना, पहले सी एल और बी आर बना के लाना है, उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज करके बनाना है। तो जैसे आप हमारे पास फिंकलस्टीन, एक रिएक्शन हमारे पास कौन सी, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये किसके लिए यूज करते हैं, जब हमको आई लगाना होता है, आई लगाना होता है तो हम कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, फिंकलस्टीन। जैसे हमारे पास कोई भी सी एल है, कोई भी एलोलगेन है, कार्बन की चेन होगी, 2-3-4 जितने भी कार्बन होंगे, सी एल लग के आएगा, इसमें आप क्या डाल दो, NaI डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, NA के साथ सी एल बार, जहाँ से सी एल निकला है वहाँ पे आई लग जाएगा और आपका एलोलगेन बन के तैयार हो जाएगा आयोडीन के साथ। फिर अगर आपको F लगाना है, F के लिए हम कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, स्वार्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन होगी, उसके साथ एक हेलोजन जुड़ा होगा CLBR में से, आप क्या करना, AG, इसमें क्या डालना, AGF डालना, AG के साथ BR बाहर हो जाएगा, आपका AGBR चला गया, जहां से BR निकला वहां पे F जाकर जुड़ जाएगा, AGF के साथ आपको हीट करनी है, बस आपका हेलोएल्केन तैयार हो जाएगा फ्लोरीन के साथ। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अगर आपको सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन दिया हो, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे आप, उसमें Cl2 या Br2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ HNU, ठीक, एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह एक Cl लग जाएगा, ठीक। जनरली आप यही करना, लेकिन इस रिएक्शन में हम कोई सा भी एच हटा सकते हैं, कितने भी एच हटा सकते हैं, ठीक, ये भी हो सकता है। तो जोन सा वो डिमांड करेगा आपसे रिएक्शन में, वही वाला आप बना देना, डायरेक्ट से आपको Cl2Br2 डालना है, अदरवाइज कुछ नहीं बोला तो आप सिर्फ लास्ट वाला हटा देना, उसके एक एच की जगह क्या लगा देना, Br। लेकिन इस रिएक्शन में हम एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, जितने एच है सारे के सारे भी हटा सकते हैं, सबकी जगह Cl और Br लगाया जा सकता है, ठीक। फिर हमारे पास, अब ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, इतनी प्रिपरेशन है आपको, पांच प्रिपरेशन है, पांचों याद होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया एल्कोन से बताया, फिर एल्कीन से बताया, फिर मैंने आपको एलाइलिक हेलोजिनेशन बताया, फिर हैलाइड एक्सचेंज बताया, फिर हाइड्रोकार्बन से बताया, ठीक। तो ये सारे इसमें क्या क्या डाला, कैसे कैसे बना, अगर आपको याद है तो देखो अभी आप क्वेश्चन तुरंत लगा लोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया, ये NCERT का एग्जांपल नंबर 4 है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दे दिया। देखो यहाँ पे एल्कीन दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड एल्कीन है, इसमें HBr डाला है, एल्कीन में HBr डालते हैं तो हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, एल्कीन में HBr, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन्स में आपने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको मैंने आपको बताया। देखो एरो पे कुछ नहीं लिखा, एरो पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपके पास मार्कोनिको है, और मार्कोनिको क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट मतलब Br वहां पे जो हाइड्रोजन कम है, तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इन दोनों में इस पे देखो दो हाइड्रोजन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है ना, तो Br यहां जाएगा, एच यहां जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा। इसका जो आंसर आएगा Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है ना, तो Br यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से आप बना देना, इसमें जो आपके पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आप HCl, इसके अंदर आप क्या जोड़ रहे हो, HCl जोड़ रहे हो, फिर से वही देखो HCl HBr ये वही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड एल्कीन में जोड़ रहे हो, एल्कीन में हमने बताया था एरो पे कुछ नहीं लिखा, अगेन मार्कोवनिकोव है, मार्कोवनिकोव में क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम हो, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम हो। एक चीज मैं देख लूं, इसमें हमने शायद, हाँ एक वाले में परोक्साइड है, इसमें परोक्साइड है, ऊपर वाले में नहीं, इसमें परोक्साइड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। तो यहाँ पे हमारे पास HCl, HCl में नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा हाइड्रोजन कम है, आप देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे आप Cl भेज देना और यहाँ पे आप क्या भेज देना, एच भेज देना, तो CH3 चलो दोबारा बना देते हैं, ऐसा सा बन जाएगा कुछ है, CH3 CH2 CH, इसके साथ आप क्या जोड़ दोगे, Cl
और यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर देना और CH2 के साथ CH3 हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करना जरूरी है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो परोक्साइड आ गया, परोक्साइड का मतलब क्या है कि ये एंटी मार्कोव निकोव है। मैंने बताया था आरोप कुछ लिखा हो परोक्साइड और क्रैश इफेक्ट ऐसा कुछ लिखा हो तो फिर ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास, एंटी मार्कोव निकोव। एंटी मार्कोव निकोव में नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो हमारे पास जो इसका आंसर बन के आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा। इस तरीके से कुछ यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे CH2 CH, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से एक और आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 के साथ यहाँ पे BR लग जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखो वही वाली रिएक्शन है ये, हाइड्रोजन लाइट वाली, अगर आपने पढ़ा था तो देखो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन और कराते फिर इसको आज खत्म करते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन है इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 5, जितना पार्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, देखना जरा कैसे होगा। अभी मैंने बताया OHO OH में SOCl2 डालो, SOCl2 डालोगे तो हेलोएल्केन बन जाएगा, आपको पता है SO2 बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, और इसकी जगह OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, SO2 बाहर और HCl बाहर। अभी बताया था थायोनिल क्लोराइड से बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन है ना, ये आपको दे दिया एक हाइड्रोकार्बन दे दिया। अच्छा बेंजीन में आप डबल बॉन्ड मत समझना, कोई ऐसा समझे कि ये तो डबल बॉन्ड है और BR2 ही, बेंजीन को आप डबल बॉन्ड मत समझना, बेंजीन में कंप्लीटली डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड डेढ़ बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो बेंजीन को आप डबल बॉन्ड मत समझना यहाँ पर, वो आगे आप सीख जाओगे, पहले भी सीखा है आपने, बेंजीन डबल बॉन्ड नहीं होता कंप्लीटली। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अभी हमने बताया था BR2 हीट, यहाँ से एक एच हटाना लास्ट वाला और क्या लगा देना, BR लगा देना, ठीक है ना, और एक एच के साथ एक BR निकल जाएगा, हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन है ये। फिर HCl हीट, HCl हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास OH है, OH के साथ एल्कोहल, एल्कोहल में हमने HX वाली रिएक्शन पढ़ी थी, याद करो HX वाली में हमारे पास क्या होता था, वाटर निकल जाता है ऐसे H2O, ऐसे वाटर निकाला था ना एक रिएक्शन में, ये वही वाली रिएक्शन है, वाटर निकल गया, वाटर निकलने के बाद क्या बचेगा आपके पास, इस तरीके से CH2 और CL और यहाँ पे OH लेगा। अब कोई जना ये मत कहना कि सर ये वाला OH क्यों नहीं हटाया, ठीक ये आप आगे सीख जाओगे जैसे मैं हेलोरिन्स पढ़ाऊंगा, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ये सिंगल बॉन्ड वाले के साथ है, बेंजीन से कभी भी OH जुड़ा होगा तो वहाँ रेजोनेंस होगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जल्दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो लगेगा भी नहीं, ठीक। तो इसलिए ये वाला OH हटा के आप क्या लगा देना, CL लगा देना डायरेक्ट। ये हमारे पास एल्कीन, देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, एल्कीन है, सिर्फ बेंजीन नहीं है इस बार, डबल बॉन्ड है, एल्कीन में HI जोड़ रहे हो, एल्कीन में HI जोड़ रहे हो, तो मैंने आपको पहले बताया था ये एरो पे कुछ नहीं लिखा, हाइड्रोजन लाइट वाली रिएक्शन है, एरो पे कुछ नहीं लिखा तो मार्कोव निकोव, एंटी मार्कोव निकोव, मार्कोव निकोव, मार्कोव निकोव क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जो हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव पार्ट ही आई है, ये वहाँ जाएगा हाइड्रोजन कम है। देखो यहाँ पे देखे तो दो बॉन्ड तो ये हो गए, तीसरा ये, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखे तो दो बॉन्ड इधर से आ गया, तीसरा यहाँ पे आ गया तो एक यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, चार बॉन्ड पहले से ही बने हुए हैं कार्बन के ना, इस वाले कार्बन के देखो दो बॉन्ड इधर से बन गए, तीसरा इधर से, चौथा इधर से, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे देखो तो दो बॉन्ड बने, तीसरा बना है, इसका मतलब एक बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से ही है, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जो हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोजन यहाँ पे एक भी नहीं है, तो आप इसमें आई कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा देना, तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसे होगा, यहाँ पे एक CH3 होगा और एक आई होगा और यहाँ पे दोनों H हो जाएंगे इस तरीके से, और डबल का क्या हो जाएगा, सिंगल, ये आंसर हो जाएगा। इसमें NaI है देखो, तो वही है फिंकलस्टीन, हेलोजन है, NaI है, Na के साथ BR बाहर कर दो, क्या लग जाएगा आपका CH3 CH2 और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आई जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, BR2 हीट यूवी लाइट, BR2 हीट, एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या कहता है, उस कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ो जो sp3 है उसका नेक्स्ट sp2, देखो ये sp2 है, इसका नेक्स्ट ये वाला sp3 है, ऐसे यहाँ चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो सेम ही होगा, देखो ये भी तो डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है, तो आप ऊपर भी जोड़ सकते हो नीचे भी जोड़ सकते हो, दोनों केसेस में आपका आंसर ठीक रहने वाला है, डबल बॉन्ड को डबल ही रहने देना, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड पे आप नहीं जोड़ रहे हो, डबल बॉन्ड के अगले वाले पे जोड़ रहे हो, एक एच के साथ एक BR बाहर हो जाता है, वहाँ पे BR लग जाता है। इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। फिर ऐसे ही सेम क्वेश्चन आप NCERT इंटेक्स में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक्सरसाइज में 3-4-5 क्वेश्चन है, इतने पार्ट से रिलेटेड है, आप कर लेना। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो बेसिक्स मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको करा दूं, जिससे फिर आपको दिक्कत ना रहे। एक बेसिक्स की वीडियो डाल दूंगा, अगर आपने 11th में थोड़े बहुत बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो वो भी आप सीख जाओगे। ठीक, यहाँ तक आज के लिए रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।